Om Namah Shambhavai Mayo Bhavai Namah Shankarai Mayaskarai Namah Shivai Shivatarai Om Namo Namo Namah. मेरी जेब काटने लगा तू? नहीं भैया, मैं तो देख रहा था दिवाली की रात है तो कहीं होशियार हो। हाँ मैं बहुत होशियार हूँ, तू फिक्र ना कर। भैया तो फिर चलो ना, जरा पीने का प्रोग्राम हो जाए। देख तेरे तो आगे है ना पीछा, मेरा तो रत्ना है, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, उसके लिए साड़ी लेके जाऊंगा, रत्ना के लिए पटाखे लेके जाऊंगा, मिठाई लेके जाऊंगा। इतने पैसे तुम्हारे पास? अरे पैसे मेरे पास है तो नहीं, मगर उनकी तस्वीर से कहीं ना कहीं से आ ही जाऊंगा। तो भैया दिवाली की रात ईमान से पीने में मजा आ जाएगा। चल देख, मैं पीता तो नहीं करना है, तू तेरा हट जा, मैंने काम कर लेने दे। अरे आठ आने के मैं चार पेड़े नहीं लेके जाऊंगा बेटे के लिए। हट। हाँ भाई कितने पैसे? साढ़े तीन रुपए। ये ले साढ़े तीन। ये किसने कहा? छह आने का। ये ले और भी ले, मगर बच्चों को थोड़े से पहले घर पहुंच जाइए, समझा कि नहीं? अरे क्या कर रहा हरिया? ये रत्ना के लिए खरीद रहे हो तो? यही फैशन तो तुझे करदार किए दे रहा हरिया। रमजानी दादा, दिवाली भी तो एक ही दफा है साल में, मेरे एक ही तो बेटा है, तू तो उसे लाल में बिगाड़ रहा है। नहीं नहीं रमजानी दादा, मैं लाल से नहीं बिगाड़ू उसे, ये जब नहीं पढ़े तो बड़ा मारता हूँ। इसको चौथी पास कर लिए, अब दसवीं पास कर लेगा तो माँ बाप ने इज्जत की रोटी खिलाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। रमजानी दादा, राम राम। कहाँ चला बे? मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। और तू कहाँ चला राम भरोसे? अच्छा आज दिवाली है ना, जरा तुम भी चलो ना। चाचा नेके को तो जमा देखा, एक चला कर लेने, दूसरा चला दारू पीने। जाने दो चाचा, आज दिवाली है। राम राम सेठ जी। अरे वाह 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 वाह, अरे अच्छे वक्त में आया, मैं खाता बंद करने ही लगा था। ला क्या लाया? दे मैं को देने नहीं आया सेठ जी, मैं तो लेने आया हूँ। भगवान तेरे जैसे ग्राहकों तो लेने के देने ही पड़े रहे, जानता भी है आज दिवाली है। दिवाली है इसीलिए तो आया हूँ, बेला के लिए साड़ी लेनी है, रतन के लिए खिलौने लेने हैं, घर के लिए मिठाई लेनी है, त्योहार मनाना है, इसीलिए पैसे लेने आया हूँ। वो तो ठीक है हरी, लेकिन कुछ पिछली रकम का भी ख्याल है? हर महीने दस रुपए देता तो हूँ। मैं तो मूल की बात कर रहा हूँ हरी, दस रुपए तो तू ब्याज के देता है। दस के दस सब ब्याज में चले जाए और नहीं तो क्या? इतना ब्याज? इतना ब्याज तुझसे इसलिए लेता हूँ हरी कि तू गिरफ्त तो कुछ रखता नहीं, यहाँ से तो जो भी कर्ज ले जाता है कुछ ना कुछ रख के जाता है। देख
दे ये। क्यों? वाह भोला सेठ, चांदी ही चांदी है। ओहो, मैंने कहा ये चिकना माल कहां से हाथ लग गया? अबे बैठ बैठ, मुफ्त का माल नहीं है, मेहनत की कमाई है, मेहनत की। अरे मेहनत की कमाई के लिए गरीब लोग मर गए हैं क्या? तुम तो उनकी कमाई के रखवाले हो सेठ। अच्छा अच्छा, फालतू बात मत कर, पहले ये बता कि आज इतनी देर से क्यों आया? पंचर हो गया था। पंचर हो गया था? देख मुकंदा, टायर ट्यूब का कर्जा उतरने तक लारी का मालिक मैं, फिर अगर पंचर हो गया तो सारी लारी पे कब्जा कर लूंगा। क्या बात करते हो सेठ, पंचर हो जाए तो मैं क्या करूं? जाने किस खोटी नीयत से कर्जा दिया था, जब देखो तो पंचर होता रहता है। तो टायर ट्यूब पे कपड़ा बांध कर गाड़ी चलाया कर, समझा? ला निकाल आज के 10 रुपए। सारे शहर को लूटे बैठे हो फिर भी मरे जा रहे हो। ये लो, कल तक के 630 हुए थे, आज के मिला के 640 हो गए। ठीक है? हाँ 640 हो गए। बस तो राम राम, राम। घर चलता है हरिया? तू चल, मैं आता हूँ, मैंने काम है जरा। हाँ तो हरी, क्या सोचा तूने? क्या सोचूं क्या? देख, ब्याज कमती कराना है ना, तो अपनी बेला का जेवर ला के रख। मेरी बेला के जेवर का जिक्र ना करो सेठ, तुम्हारा जितना ब्याज होगा मैं दे दूंगा, मगर दिवाली के लिए कुछ पैसे दे दो मने। देख हरिया, मैं दिवाली पर किसी को कुछ नहीं देता, पर तेरी खातिर इस रीत को भी तोड़ दूंगा। हाँ, ब्याज कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। कहा ना दूंगा तुम्हारा ब्याज। अच्छा तो कितने पैसे चाहिए? मैंने 30 रुपए दे दो। 30 रुपए ले, कुल रकम पे 12 रुपए महीना ब्याज पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा तो लगा अंगूठा ना। हाँ रत्न, के कर लग गया उधर, उतर नीचे। चोटा कहीं का लड्डू चोरी करे? ये ले, अबे खाता क्यों नहीं है? खा, खाना। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अबे चल्ला कहाँ? छज्जू रामदीन मुन्ना मोहन सबको दिखा दे। तो सही, मैंने तो देख लेने पहले। लाठ का बेटा मालूम है तू, चल नजर ना लग जाए। नहीं मैं तेरे वास्ते इंडिपेंडेंट भी लाया हूँ। अब देखना बापू मैं कितना पड़ता हूँ। हाँ मगर संभाल के रख लेने, और टोपी नहीं बापू। हाँ मैं जो कहता हूँ करना, रात को पहनेगा तो रोशनी में चमचम करेगी घर। तेरी माँ हटो ना। मैं तो ना हटू। अरे तुझे लड्डू कहाँ से मिल गया? मैंने दिया। की ना तुमने फिर वही बात, तुम्हारा बाप का दिल है तो मेरा भी माँ का कलेजा है। सवेरे ही से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने न दिए तो इसीलिए ना कि पूजा हो ले तब खाएंगे। बिल्ला, इससे बड़ी भी कोई पूजा है? इन बच्चों से बड़ा भी कोई भगवान है? भगवान चोरी करता है ना। हाँ, भगवान ने माखन चुराया तो माखन चोर कर लाया, और फिर खाने पीने की कोई चोरी हो। अच्छा बातें मत बना। ये क्या साड़ी? अच्छी है ना? नहीं। क्यों? तुम फिर कर्जा लेकर आए हो। कर्जा नहीं बेला, मैंने बोनस मिला। बोनस वोनस मैं सब जानती हूँ, मगर बेला तीज त्योहार के दिन तेरे बदन पे चीथड़े अच्छे नहीं लगे। मुझे कमाई के चीथड़े ही पसंद है, कर्जे की किनखा पसंद है। इसे वापस करके मैं नहीं पहनूंगी। सच्ची नहीं पहनेगी बेला तू? नहीं। अच्छा तुम्हारे लिए कहती थी ना, ये बाल कर्जे में न बीन जाए। मेरा क्या, मैं तो कहती हूँ तुम लाते रहो मैं पहनती रहूँ। अगली बेला
साड़ी पहन के तो लेडी डॉक्टर लगे, मेरा भी इलाज कर देना। तुम्हें क्या बीमारी है? अरे मैंने तो दिल की बीमारी है। ओ भाई तू क्या कर रहे हैं, चल बाहर। तुम भी चलो ना। तू चल के पटाखा चला ना, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। क्यों बेला, कौन कहे मैं गरीब हूँ, है मेरे रत्ना का कोई मोल? और फिर तेरी ऐसी अनमोल बीबी है मेरी, मैं तो कहूँ भगवान ऐसे धन कब दे। मेरे पास 1000 रुपया हो ना तो तेरे लिए साड़ी साड़ी ले आऊं। नहीं, मुझे यही एक बात है। बेला तू नहीं चाहे कि मैं अमीर हो जाऊं? नहीं, अमीर हो गए तब तुम मेरे नहीं रहे। नहीं बेला, मैं तो गरीब भी तेरा हूँ अमीर भी तेरे रहूंगा। हे भगवान, मेरी इतने भी कोई खुश होगी दुनिया में? मैं तो कहती हूँ ऐसे ही तुम्हारे बाजू में मेरी जान चली जाए। नू मत कर बेला, मैं तो तने देख देख के जीऊं, तने कुछ हो जाने से पहले भगवान मने उठाए। फिर ऐसी बात की तुम मारोगी? हाँ, बरस के बरस। तू भी तो ऐसी बातें करे। मेरा क्या है, औरत के बिना मर्द सब कुछ है, मर्द के बिना औरत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। मेरी बेला तू अब इन बातों को छोड़ दे, हंसी खुशी की बात करनी। अच्छा करो कोई बात। मैं तो बोला तू कर। तुमने मेरी टोपी क्यों पहनी? मैं क्यों कहा तुम्हारी टोपी सबसे बढ़िया है? वो तो है। अरे माँ, तुम भाई भाई हो बेटे, लड़ा नहीं करते। बरस बरस का दिन है, खेलो कूदो गाओ। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे चमन हमारा अपना है।
क्या हुआ? तने तो नहीं काट गया? तुम्हारी खाट पर चल रहा था, मैंने पकड़ लिया। ये तूने काटी है बेला? शुक्र है, तुम बच गए। बेला, बेला। रंगानी दादा, मुकंदा, ओ शांति। माँ, बेला, बेला। क्या हुआ बेटा? मेरी बेला को सांप डस गया। कहाँ ये देखो नहीं सांप डस गया। हाँ। मैं कहता हूँ दादा रस्सी बांध दो जल्दी से पहले। बेटा एक रस्सी लिया जा, तुलसी बैद को बुला ला जा, अभी जा भागे जा शांति। और लक्ष्मण तू जल्दी से भाग के जा, उम्र सक्के को बुला ला झाड़ फूक के लिए, भाग जा जल्दी। अरे बेटा बहू की कलाई में इसे बांधे ताकि खून ऊपर न चढ़े। बांध दो ना दादा, तुम ही बांध दो, जरा और कस के ऊपर 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 और जरा। हाथ में क्या हो रहा है, नीला क्यों पड़ रहा है? बड़े जहरी नाग ने काटा है। बेटी कुछ भी करो मेरी बेला ने बचा दो, नहीं मर जाऊंगा मैं। माँ, माँ। बेटी कुछ करो। माँ। रत्नो। हाँ माँ। अरिया बहू को सोने मत दे, सांप की काटी में सोना अच्छा नहीं। बेला, बेला सोनो नहीं, बेला, बेला। उठ बेटा, उठो बेटा। इतना अकेला छोड़ के कैसे चलो? अब रही क्या गया है, हवा हवा के साथ मिल गई, मट्टी मट्टी के साथ। उठ चल बेटा। जिसने कभी फूल का वजन नहीं उठाया उस पर 20 मिनट रख ले रख ली। सब्र कर, मेरी माँ को अपनी माँ बना ले। अब तो है, हंस दे ना, हंसा वादा चल कबड्डी खेलें। नहीं, अरे क्यों नहीं? मेरा हाथ जल गया है। कैसे जल गया तेरा हाथ? मुझे रोटी पकाना नहीं आती ना। छी, लड़के थोड़े ही रोटी पकाते हैं, तू बैठ मैं रोटी पकाती हूँ। और भी तो बहुत सा काम पड़ा है, वो तो हम खेल रहे थे। बाहर से पानी ले। बेला, रो क्यों रहे हो? तुम उन्हें अकेला छोड़ चली गई। मैं कहाँ चली गई, यही तो हूँ तुम्हारे पास। तो तने सांप ने नहीं काटा? तू काटा था, मगर फिर क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, हाँ जब तुम रोते हो तब। भी नहीं रोऊंगा बेला, तू मेरे पास आ गया ना, भी नहीं रोऊंगा। मुझे छुओ मत। नहीं छूंगा, पर मुझे तू छोड़ के ना जाइयो बेला। नहीं जाऊंगी, पास ही रहूंगी तुम्हारी, रोगे तो साथ रहूंगी, हंसोगे तो साथ हंसूंगी। और तुम रत्नो का ख्याल रखना। तो ख्याल रखूंगा बेला, तू जो कहेगी करूंगा, जो तू कहेगी करूंगा। बेला, बेला। और तुम रत्नो का ख्याल रखना। अच्छा
लग गई ना तेरे बेटा, कितनी देर तेरे भूख कर रखी हम, अभी रोटी पकाता हूँ। रोटी तो पक गई है बापू। किसने बनाई? मौनी ने और मैंने। बेटा तू रोटी रोटी ना पकाया कर, तेरा हाथ जल जाएगा किसी दिन। जल गया ना हाथ तेरा, खबरदार जो कल से रोटी पकाई होगी मैं पका दिया करूंगा। रोटी पकाने चला। खाना खा ले और सो जा। तुम भी खाना बापू। मैं पीछे खा लूंगा, तू खा लेना। अरे खाता क्यों नहीं, खा ना। बापू मुझे भी माँ बहुत याद आती है। हरिया पगला हो गया है तू, खुद रोने लग जाएगा तो भला इस बच्चे को कौन चुप करेगा। अब तो मेरी जिंदगी में रोना ही रोना रह गया। मालिक ने तो तेरी जोड़ी सरस बनाई थी, किसी की नजर लग गई, अब सबर के सिवा हो भी क्या सकता है। हरिया भगवान को यही करना था, लोगों ने ये बेटा खो दिया। वही जाने हरिया, इसमें भी कोई राज की बात होगी। देख मेरी मान, तू अब कोई काम धंधे की फिक्र कर, तेरा जी लग जाएगा। और हाँ, तुझे मैंने ये सामने बुलाया भी है, हैं? और देख रो मत, ये बुरी बात है। कल मनियर साहब के दफ्तर में उन्हें सलाम करने के लिए चले जाइयो, जाएगा ना तू? हाँ चले जाइयो। बेटे खाना खा ले, चल मैं भी तेरे साथ। हरिया, ए हरी भैया, यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ है हरिया? क्या नहीं हुआ, बेला गई तो अपने साथ सब कुछ ले गई, ये बेकार इतना रह गया है, भगवान जाने उसका भी क्या। ऐसा नहीं किया हरिया, ऐसा नहीं किया भैया। मैं उसे कहाँ से खिलाऊं, कहाँ से पढ़ाऊं, मेरी नौकरी भी तो नहीं रही। तेरा गम तो देखा नहीं जाता हरिया, सबर कर, हिम्मत से काम ले भैया। भगवान ने गम दिया है तो कहीं उसका इलाज भी होगा। चल उठ, चल यहाँ से, चल भैया। रतन, अबे रतन के बच्चे इधर आ, अबे इधर आ। तेरे बाप से कहा था मैंने, उसे बुलाया, बोल क्यों नहीं कहा? मन तुझे हजार दफा कहा है उसे यहाँ भेज दे, लेने के वक्त तो भीगी बिल्ली बना चला आता है और अब देने के वक्त कुत्ते की तरह दुम दबाए छिपा फिरता है, बेईमान कहीं का। मेरे बाबू को बेईमान मत कहो। बेईमान मत बोलो, अबे वो बेईमान, उसका बाप बेईमान, उसने मुझे समझ क्या रखा है हरामखोर ने? बड़ी कचहरी से वो टांच लाऊंगा कि फांसी का फंदा बन के गले में पड़ जाएगी उस बदमाश के। बदमाश तुम? ये हिम्मत बिल्ले तो बोलिए, आसानी का बेटा होगा हमें जवाब देता। भैया बैठो ना, कहाँ चले? मैं घर जाऊँ। अरे थोड़ी और पी लो, काम गलत हो जाएगा। बहुत पी, मैं अच्छी नहीं लगे। भैया थोड़ी तो पियो, इतना अकेला बैठा होगा घर में। देख लूटा, अकेला बैठूंगा। मत रतन, तेरा बदला हम लेंगे, उस ढिचक ढिचक करने वाले की दूसरी टांग ही तोड़ देंगे, पेट पंचर कर दूंगा भले राम के बच्चे का। मेरे पास छाता है ना, शराब शराब लगाऊंगा। क्या हुआ रे, रोता क्यों है? बोल, तुम में से किसी ने मारा है? बोलता क्यों नहीं कोई? नहीं चाचा, हम में से किसी ने नहीं मारा, इसे भोला राम ने मारा है। भोला राम ने मारा? क्यों मारा भोला राम? तो बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं, उसने रतन को बहुत मारा चाचा। हाँ चाचा, लकड़ी से। मुझे मारा क्यों है? मैं गाली देता था बापू। मैंने गाली क्यों देता था? कहता था तेरा बापू कर्जा लेकर भाग गया।
यूं कह रहे था बदमाश और की खाल खींच रहे थे। भोला सेठ, कौन है? मैं हूँ मुकुंदा। ठहर मुकुंदा, आता हूँ। आ गया मुकुंदा, बड़ी देर कर दी आज। अरे देर हो गई, अंधेर तो नहीं। रोज का रोज हिसाब चुकाता हूँ, फिर भी विश्वास नहीं होता। व्यापार का मामला है मुकुंदा, पैसा तो समय पर मिलना ही चाहिए। आओ अंदर। और सुना, लारी का क्या हाल चाल है? लारी? हाँ। लारी तो बेच दी। बेच दी? हाँ हाँ बेच दी। अरे तुम मरे क्यों जा रहे हो? लारी बाहर खड़ी है और टायर ट्यूब भी सलामत है। मेरी तो जान निकल गई थी मुकंदा। ला, ला निकाल आज के 10 रुपए। यही तो दिल जलाने वाली बात करते हो तुम। ये लो। तेरे मुंह पे तारीफ नहीं करता मुकंदा, पर इतने बड़े शहर में एक तू ही है जिसे भगवान का डर है। दूसरों को तो 6 महीने धमकियां मिलती हैं तो मुझे 1 महीने का ब्याज मिलता है, और मूल की तो पूछो ही ना। एक बात कहूं भोला सेठ, आदमी आदमी में फर्क होता है। बरोबर बरोबर। लारी गिरवी रखी है, इज्जत गिरवी नहीं रखी। वो तो तू ठीक कहता है भाई, पर जमाना ऐसा बुरा आ गया है कि आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। ये तो है। वो उसको हरिया को दे। हाँ। पैसे क्या लिए कमबख्त ने, के सूरत ही नहीं दिखाता। हेलो। हाँ। उसके छोकरे को कहा कि जरा बापू को भेज दियो, तो वो भी गोल हो गया। वाह भाई वाह। जी हाँ, उल्टा मुझे डांटने लगा, बापू ये कर देगा, बापू वो कर देगा। और मैंने जब मारा घुमा के उल्टे हाथ मारा मेरे बेटे। बाबा बता, खैर हुई जान से नहीं मार दिया। ये छोड़ दे, मैं इसी मोटी मोटी नोटा लूंगा। मेरे बेटे को मारा है ने, ये सेठ होगा अपने घर का होगा, तू छोड़ दे। अबे जा जा, भाव देखे तेरे जैसे की कर सिंह। अरे बाहर जा, तू दारू के नशे में है, पागल हो गया तू। अरे वो तो अंदर भी चला गया, अब क्यों झगड़ा कर रहा है? वो कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तो उसको जान से मार डालूंगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। हाँ, हाँ, उन्हें छोड़ दे। मगर हरिया या हरिया नहीं, मेरे पास तुम बच्चे ने अडमुआ कर दिया है, मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा। मेरा नाम हरी राम है। हरिया तो चला जा, तो पर बेटे की कसम है, जान से मार दूंगा, इसका खून करके छोड़ूंगा मैं। अब चल हरिया, चलो चलो भैया। देखो तो हरिराम को, इतना शरीफ आदमी है पर नशे में क्या बकबक कर गया है। मुझे तो डर लगता है बाबा कहीं कुछ करना बैठे। अरे करने वाला तो भगवान है चाचा, तुम बेफजूल गम कर रही हो। पर भगवान के नाम से पेट तो नहीं भरता बिटुआ, इसके लिए तो पैसा चाहिए। पैसा? पैसे के लिए तो दुनिया रो रही है चाचा, पर पैसा तो सपनों में भी नहीं दिखे। बेटा तू कहता ठीक है, आज कितने दिन हो गए तुझे आए हुए, तेरी जरा भी खातिर नहीं कर सकते, और तू कल जा रहा है। अपन का गम ना करो चाचा, यहाँ तो घर की बात है। घर भी कैसा घर, दिन भर जेबों की तलाशी लेते हैं और रात को मुर्दों की बगल में आके सो जाते। कहीं कोई कोठड़ी वोठड़ी क्यों नहीं मार ली चाचा? बेटा होकर दिल लगी करता है। तो क्या हुआ? यहाँ जहर खाने के लिए पैसा नहीं और तू कोठड़ी की बात करता है। अरे ये कम है कि बाप दादा की इज्जत लिए बैठा हूँ, नहीं तो कब का पहुंच जाता दिल्ली तेरे पास। दिल्ली? अब वो दिल्ली कहाँ चाचा। हाँ तू ठीक कहता है मसीतू, जब तो चोर बाजार का पैसा था, न जेब काटने वाले को धोखा, न कटवाने वालों को गम, दोनों अपनी अपनी जगह खुश। तेरी जान कसम चाचा, अब तो रुपल्ली दो रुपल्ली भी इधर से उधर करो तो रपट शहर भर के थानों में चली जाए, और वो थाने वाले तो हमारी उंगलियों का फोटू भी रखने लगे। अरे थाने वालों की तो अक्कल मारी गई है। मैं इंस्पेक्टर जनरल से मिलूं तो कहूं, भैया जब पाकिट ही गायब तो उंगलियों के निशान कहाँ है? ले बिटवा, आज एक बाबू की जेब से यही चने निकले थे। क्या जमाना आ रहा है। अब तो चने भी वो चने नहीं रहे। मसीते आ जा जा। अपने दादा पर दादा नाजुक बखत में एक भजन गाया करते थे, तो फिर गाओ ना, इससे नाजुक बखत और कौन सा आएगा। तू भी साथ गाएगा ना? हाँ शुरू तो करो। अच्छा
भेज दे 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 भेज दे चाचा बेटा भेज दे 56 करोड़ की चौथाई पास बीड़ी है न दिया सलाई ओ, ओ, ओ अपना धंधा तो हो गया मंदा चैन पाएगा किस तरह बंदा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ अरे वाह चाचा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन डब्बा है दिल का खाली ला इसमें नोट भर दे ला इसमें नोट भर दे ओ ऊंची बैंक वाले अपना भी काम कर दे अपना भी काम कर दे अरे हम हैं शरीफ लोगा दुनिया में बात रख दे दुनिया में बात रख दे दीन दयालु धन बरसाते हम झोली फैलाते हैं चाचा बेटा दीन दयालु धन बरसाते हम झोली फैलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन जल्दी से भेज कोई होती है अपनी खोटी होती है अपनी खोटी अरे इतना तो माल आए चल जाए दाल रोटी चल जाए दाल बेटा, रोटी तेरा बनाए मंदिर अपनी बनाए कोठी अपनी बनाए कोठी चाचा बेटा भेज नगद नारायण कोई हम ये मंत्र गाते हैं छू छा चुर पुर छू छा चुर पुर छू भेज नगद नारायण कोई हम ये मंत्र गाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेटा चाचा बेटा चाचा बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं हलवा पूरी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं बेचना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं बेचना छन भेज 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 अरे भेज ऊपर वाले मसीतू देख कोई आ रहा है अरे मैं ना कहता था कि नाजुक वक्त में ये भजन बहुत काम आता है तू जरा ठहर मैं अभी आया हे भगवान या पी दस्तगीर एक मैं रख लेता और ये अठन्नी इसी की जेब में डाल देता ये कर दिए चाचा
अम्मा घर ही दौलत लौटा दी। तू नहीं समझता आजकल का पॉकेट मार है ना, जरा भगवान से भी डर है। जिसने तुम्हारी इज्जत रखी है तुम्हें भी उसकी इज्जत रखनी चाहिए ना। अपनी लालच के लिए किसी को जान से नहीं मार डालना चाहिए। चल इसके लड़के का नाम होगा, प्यारा नाम है। हा? नाम तो अपना भी रतन था बेटा, मगर घिसते घिसते घसीटा हो गया। ओ मुकंदा, कहाँ जा रहे हो? मेरा ट्रक खराब हो गया है। हरिया, कहाँ भागा जा रहा है? मैंने जल्दी जाना है, मेरा बेटा। कौन है तू? मैं हरी राम। कहाँ भागा जा रहा है? मैं घर जा रहा हूँ, मेरा बेटा। रत्ना, तू अभी तक जाग गया बेटा, सो क्यों नहीं जाए? मुझे डर लगता है बापू। डर मत बेटा, मैं आ गया ना, अभी मैं तुझे छोड़ कर अकेला कभी नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारा नाम है? हाँ जी, क्या बात है थानेदार साहब? पकड़ लो इसे। मैंने क्यों पकड़ो? मैंने क्या किया थानेदार साहब? मैंने भोला राम का खून किया है। भोला राम का खून? हाँ। मैंने तो नहीं किया थानेदार साहब, मैंने खून नहीं किया। ले चलो इसे। थानेदार साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने छोड़ा। छोड़ो, कुछ कहना है अदालत में कहना। चलो मुकंदा, शांति। मेरा झगड़ा उसके साथ जरूर बता, और मैंने उसे जान से तो नहीं मारा दरोगा जी। लो इसे पूछो, मुकंदा से पूछ लेना। हाँ, झगड़ा तो मेरे सामने हुआ था, पर मैं न जानता था कि आदमी गुस्से में इतना अंधा हो जाता है। सुन लिया तुमने? नहीं दरोगा जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने बेटे की सौगंध खाता हूँ, मैंने बोला राम को खून नहीं किया। ले चलो इसे, तुम भी चलो बयान लिखवाने। ऑर्डर, ऑर्डर। बस जुमला कवायद से पता चलता है कि मुजरिम हरी राम ने भोला राम सौकार का कत्ल अमद किया है, अगरचे उसने शराब पी हुई थी। ताहम झगड़े के वक्त वह अपने पूरे होश व हवास में था, और जिससे अपने फेर के मायने बखूबी समझ सकता था। ऐसे मुजरिम को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसलिए अदालत सेक्शन 302 IPC के तहत मुजरिम हरी राम वल्द जयराम दास को सजाए मौत देती है। मैंने खून नहीं किया डॉक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। रत्ना, तू दुबला हो गया रे, खाना नहीं खाता क्या? खाता हूँ बापू। कौन खिलाता होगा बेटा? क्यों बापू, राधा मौसी जो है मुझे सब प्यार करते हैं। भगवान ही सबका भला करेगा बेटा। बापू, स्कूल वाले सब लड़के कहते हैं कि तेरे बापू ने खून किया, क्या सच्ची तुमने खून किया? नहीं बेटा, मैंने खून नहीं किया, भगवान कसम मैंने खून नहीं किया। तो फिर तुम घर क्यों नहीं आते बापू? आ जाओ बेटा, आ जाओ। जल्दी आ जाओ बापू, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बहुत जल्द आ जाऊंगा, मगर तू अपना ख्याल रखा कर बेटा। अच्छा बापू। तू रात को जल्दी से खाना खा के सो जाएगा। पर तुम रोते क्यों हो बापू? मैं तो नहीं रो रहा बेटा, मैं तो हंसता हूँ, तू भी हंस। रमजानी चाचा, सुना हरी राम को शिशे में फांसी की सजा हो गई है। हाँ भैया, इसी का तो रोना रो रहे हैं, सर्वनाश हो गया बेचारे हरिया का। कितना शरीफ आदमी था वो। गाय था बिल्कुल, ऐसी आपत्ति आके पड़ी, पहले बीवी मर गई और अब घर ही उजड़ गया बेचारे का। दे देकर एक बेटा रह गया है, अल्लाह जाने क्या होगा उसका। दादा,
मेरे बापू से मिलके आया हूँ। वो कहते हैं उन्होंने खून नहीं किया, अब वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। बापू आ गए तो तुम मुझे लड्डू खिलाओगे ना दादा? मैं ही खिला दूंगा बेटे। लड्डू भी तेरे भी। रत्नू रत्नू कहते तुम्हारे बाबू को फांसी हो रही है। फांसी? फांसी क्या होती है? सुना है गले में रस्सा डाल के लटका देते हैं। फिर क्या होता है? ये मुझे नहीं मालूम। मेरा बेटा। ये क्या है बापू? इसे तोड़ डालो बापू, इसे तोड़ डालो। नहीं बेटा अब ये नहीं टूटेंगे। ये तुम्हें कहाँ ले जा रहा है बापू? कहाँ ले जा रहा है? मैंने फांसी देने ले जा रहा है। फांसी? सब लोग हैं, मैंने खून किया। तुमने खून नहीं किया बापू, तुम्हें तो कहते थे तुमने खून नहीं किया। तुम चुप क्यों हो बापू? मैं किसके पास रहूंगा? तेरी राधा मो, तेरे रमजानी दादा, वो सब तेरा ख्याल रखती है। चलो देर हो रही है। बापू। चलो ने, देखता क्या है, चल। बापू चलो। Thank you.
बचा दे भगवान, मुझे फांसी से बचा दे भगवान। मैं भगवान नहीं बेटे, मैं तो यूं ही सा एक आदमी। नहीं, तुम्हें भगवान ने भेजा है। हा? अच्छा यूं ही समझ लो। तेरा नाम क्या है बेटे? रतन। रतन? तेरी माँ को यहाँ जलाया गया था? हाँ। तेरा बाप भी यहाँ आया करता था? हाँ। तो उसे फांसी क्यों दी जा रही? सब कहते उन्होंने भोला राम को मार डाला, पर उन्होंने भोला राम को नहीं मारा। उस रात तो वो यहाँ सो गए थे। पूरन मासी की रात थी, तेरा बाप रात भर यहाँ सोया था। मैंने देखा था, मसीता ने भी देखा था। बेफजूल सजा हो गई बेचारी। हाँ, हाँ दादा, तुम लोगों ने यहाँ देखा है। तुम कह दोगे सरकार से, तुम बचा लोगे मेरे बापू को। बोलो बोलो ना दादा। बोलते क्यों नहीं दादा? उसने नाजुक वक्त में मेरी मदद की थी, मैं भी उसकी मदद करूंगा। वो बेगुनाह है बेटा, मैं उसकी गवाही दूंगा। मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। तुम रो मत, चलो आओ उठो। दादा, मेरे बापू छूट जाएंगे ना? क्यों नहीं, जिसे बेटा गलती से सजा हो जाए वो अपील में छूट जाता है, और मैं तो कानून को खूब जानता हूँ। कई मर्तबा मेरा मतलब है कई मर्तबा कचहरी जा चुका हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रो मत। जय हिंद हजूर। जय हिंद, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत? आप मुझसे कह रहे हैं? आप मुझसे हरिराम की गवाही ले लीजिए। हरिराम, जिसने भोला राम का कत्ल किया? उसने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं गवाह हूँ। कत्ल के वक्त तो तुम घसीटा हो। मैं? क्या बात करते हो हवलदार साहब, हम रतनचंद चौधरी होते हैं। इतना बड़ा खानदान है अपना, इतने बड़े बड़े मकान है कि ऊपर देखो तो नीचे टोपी गिर जाए। मैं ठीक कहता हूँ हजूर? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मशहूर जेब कतरा है। अरे राम का नाम लो भैया, न मैं जेब कतरा न मशहूर। तो ये फोटो किसका है? ये अंगूठे और उंगलियों के निशान? शहर से कोई जेब कटने की रपट तो नहीं आई? इससे क्या पूछते हो हजूर, मुझसे पूछिए ना, आजकल की जेबों में धराई क्या है, पहले जमाने के रईस जिनकी जेबें। खैर छोड़ो इन बातों को, आज तो मैं गवाही देने आया हूँ हजूर। गवाही वगैरह तो सब हो चुकी है, अब थोड़े दिनों में उसे फांसी भी हो जाएगी। इतना जुल्म ना कीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक निर्दोष को फांसी ना लगाइए। मैं लगा रहा हूँ फांसी? भैया तो अदालत का फैसला है, अगर कुछ करना चाहते हो तो हाई कोर्ट में जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ। कहीं झूठी गवाही का धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? राम राम हजूर, सच्ची गवाही। और कांप तो इसलिए रहा हूँ कि पुराने पाप सामने आ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। वो मुकुंदा दादा, चलो दादा उनसे पूछे। चलो तो चल। चाचा, ये दादा है ना, कहते हैं बापू ने भोला राम को नहीं मारा। क्यों बे, कौन है तू? मैं गवाह हूँ। मेरे सामने इसका बाप रात भर मसान में पड़ा रहा, फिर भोला राम का खून किस वक्त किया? तू इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे चिलम पी रहा था, पूछ लो मसीता से। मैं तो वही सोता हूँ वही जागता हूँ। तू क्या सुन रहा है बे? ले ये किताब मुंशी जी को दे दे, और ये पैसे भी। कानून जो करता है ठीक करता है बड़ू। अरे तू क्या जाने के कानून क्या है, कानून को क्या पता भैया कि खून किसने किया। वो तो हम जानते हैं कि खून किसने किया। किसने किया है? अरे किसी ने भी किया हो, मगर हरिराम ने नहीं किया। मैं इस बात का गवाह हूँ, बड़ी कोर्ट तक लड़ूंगा, अपील करूंगा, समझे? हजारों रुपए लग जाएंगे। अरे परवाह नहीं, तुम्हारे जैसे सखी दे जाएंगे। आ भैया। अरे मेरे रुपए? अबे ओ चोर उचक्के, निकाल मेरे रुपए। अबे परे हटके बात कर,
खानदानी शरीफों पर इल्जाम लगाता है। वो धरे तेरे रुपए, पलट के देख। अबे उधर नहीं, इस पैर के नीचे। हाय हाय, ये पैर नहीं, ये पैर के नीचे। अबे ठीक से पैरों को देख। अबे नाच क्या रहा है, आंखें फट गई क्या? ये मैं देख, ये रहे तेरे रुपए। खबरदार, जो फिर किसी शरीफ आदमी को सताया, मेरी जगह मसीता होता तो। हाँ चलो बेटवा, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली जाएंगे? अबे वहां जानता भी है किसी को? हाँ, अपना मसीता जो है वहां। अबे कहता तो ऐसे है जैसे पंडित नेहरू को जानता है। वह पंडित नेहरू जी को कौन नहीं जानता, वो तो हम सबके माई बाप हैं। वो हमारी नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? मैं सीधा जाके पैर पकड़ लूंगा उनके और पुकार पुकार के इंसाफ की भीख मांगूंगा। कहूंगा कि माई बाप, आप जैसे इंसाफ के देवता के होते हुए आपके एक बच्चे के साथ बेइंसाफी की जा रही। चलो बेटा, छुड़ा लाएंगे तेरे बापू को और चढ़ा देंगे असली खूनी को फांसी पर। अबे खूसट, क्यों बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है, उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। मेरा नाम घसीटा है, घसीटा। तो फिर अब दिल्ली चलना होगा दादा? हाँ बेटा, दिल्ली तो क्या, भगवान के पास भी जाना पड़े तो जाऊंगा। भगवान, वो बुढ़ा इसी रास्ते से गुजरेगा बच्चे को लेकर? अब तुम फिक्र मत करो जी, ऐसे प्यास से मरम्मत करूंगा, सीधा अस्पताल में जा बैठे। बस तो शाम को लौट कर तुम्हारा जी खुश कर दूंगा। चंगा जी चंगा। कौन है भैया? पहचाना नहीं? अब भी नहीं पहचाना, जेब कतरे पहचान। अच्छा, अब पहचानता भी है? तू पहचानता है? बड़ा आया था पहलवान बनकर। अरे 20 बरस हो गए बेटा अखाड़ा छोड़े हुए, फिर भी वही कसबल बाकी है। चलो बेटा। ए भैया लारी वाले, हमें भी साथ ले चलो। ठहरो ठहरो। अरे चोट लग गई मेरे बिटुआ को। अरे ये देख, बेचारी चूती का आटा गिर गया। देख 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 देख, देख, देख। अरे वो देख चिड़िया, वो देख। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी।
दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। अरे आओ मुकंदा, क्या हाल है यार? एक पैकेट कैसी दे दे? अरे ला भाई, क्यों क्या बात है? बहुत जल्दी में हो, चाय वाय नहीं पियोगे? नहीं यार, टाइम नहीं। अच्छा राम राम। हाँ शराब दीन। अरे क्या हाल है मुकंदा यार? कहाँ से आ रहा तू? दिल्ली से। दिल्ली से? यार एक बात तो सुन, तूने रास्ते में किसी बुढ़े को देखा था? एक छोटा सा बच्चा उसके साथ। बच्चा? हाँ यार, मेरा भतीजा है, एक बुढ़ा बदमाश उसको भगा के ले जा रहा है, मालूम है? अरे हाँ हाँ यार, देखा था। हाँ 25-30 कोस पीछे एक बुड्ढे और बच्चे को दिल्ली की तरफ जाते देखा था, और बच्चे के सर पे शायद तिल्ले की टोपी थी। दादा अब तो मैं बहुत थक गया, कहीं बैठे। अच्छा बेटे, थोड़ी देर यहाँ सुस्ता ले, फिर चलते हैं। अब दिल्ली दूरी कितनी? मुझे बहुत डर लगता है। अरे मेरे होते हुए तुझे डर लगता है बिटुआ? पागल कहीं का। ला मैं तेरा पैर दबा दूँ। मुझे एक मोटर आ रही है, अपना काम बन गया। बहुत लगी है। मैं किसी को गांव से बुला कर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे छोड़ कर मत जा, मैं तो सीधा दिल्ली चला जा, जल्दी। वहां मसीता दरियागंज में रहता है, वो तुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरणों में पहुंचा देगा। मत गवाही, तेरे पास कागज कलम है ना? हाँ दादा, मैं अभी ला दूँ। लिखो बिटुआ। दादा मैं घसीटा, मरते मरते भगवान को हाजिर नाजिर जानकर गवाही देता हूँ। ले बिटुआ, मेरा खून बोलेगा,
मेरा बापू बेकसूर है, अब नहीं चला जा बेटा। नहीं दादा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, फौरन चला जा, सीधी सड़क देख, कहीं रास्ते में रुकना नहीं दादा, वक्त नहीं है। जा जा, तू जाता क्यों नहीं, जा जा बेटा, तुझे मेरी कसम, तेरे बापू की कसम, जल्दी जा बेटा, जल्दी। दरिया वो गंज ये कौन है? सुबह सुबह साफ कर रहा है, क्यों बलमटे, क्या बात है? अबे इतनी बड़ी दिल्ली में ले दे के एक ही तो मसीता है, एक ही फर्द शेर मर्द, बोल क्या बात? तुम जेबे काटते हो? क्या कह रहा है? तुम जेबे काटते हो ना? अबे तेरी तू ऐसी क्या बकवास कर रहा है? अल्लाह हॉल बिस्मिल्लाह, गलत कर दी, तौबा तौबा। जी यहाँ रहते हैं? रहते नहीं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। तो तुम्हें पहले ही मिल लेता हूँ। अरे अरे, जाता कहाँ है? मुझे पंडित जी से मिलना है। भाग भाग रास्ता ना। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ शिवाजी, मुझे अंदर जाने दो। मैं कहता हूँ घर जाओ, जाओ। मुझे पंडित जी से मिलना है। पंडित जी से? हाँ, मुझे बड़ा जरूरी काम है। पंडित जी भाषण देने आए बच्चे, मिलने नहीं आए। मुझे जाने दो ना, मैं बड़ी दूर से आया। नहीं, चलो रास्ता छोड़ो, जाने दो ना। जाओ चलो। क्या बात है? मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलना है। पंडित जी तो रात को आए थे बैठे और चले गए, अब यहाँ कोई नहीं। चल जा बच्चे, घर जा। हम तो
अदा बेचते हैं, बहारों की हम तो अदा बेचते हैं। ये छोटी सी गुड़िया मोहब्बत की पुड़िया, दुखे दिल की हम तो दवा बेचते हैं, दुखे दिल की हम तो दवा बेचते जवाहरलाल नेहरू। अबे ओ लच्छू, ओ मिट्टू, ओ शंकर, हमारा जरा इनकी भी तो सुनिए। अरे ओ तोप के बच्चे, अरे तुमसे कितनी दफे कहा है मुझे कवर साहब कहा करो,
फिर कभी तो कहा तो कच्चा चबा जाऊंगा। अम्मा जरा बात तो सुनो, जरा शिकल तो देखो इनकी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने निकले हैं। हुजूर कौन से चिड़ियाघर से आए हैं आप? कौन सी घास खाई है आज सवेरे सवेरे? देखो तो सिर पे सिंह भी उगे हैं यानी। दिखता है बेचारा, ऊपर से बेकार हमने मारा, वो बेचारे कैसे जाएगा पंडित जी के पास? जा कैसे नहीं सकता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जाने वाला चाहिए बस। अच्छा तो ले जाना, देखता क्या है। ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा। तो उबरा दे मेरी दुकान और दीदी से कह दियो मैं देर से आऊंगा। अबे खैर बोला, मैं भी चलता हूँ, रोप तू संभाल लेना। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे पंडित जी से मिलवाऊंगा। चलो यहाँ रहते हैं पंडित जी। ये तो मकान है। अरे बुद्धू मकान नहीं तो क्या महल होगा। संतरी जी, क्या पंडित जी सचमुच यही रहते हैं? हाँ। तो फिर हमें उनसे मिलना है, बड़ा जरूरी काम है। तुम्हें पंडित जी से जरूरी काम है? अब आओ तुलसी, जरा इनके भी सुनियो, इनको पंडित जी से जरूरी काम है। क्या जमाना आ गया है, जिसके मुंह में दो दांत उगाते हैं चलाता पंडित जी से मिलने के लिए। चलो भागो। तो फिर उन्हें क्यों जाने दिया? अरे वो बड़े लोग हैं, तुम्हारी तरह हाथ भर के छोकरे नहीं है। चलो चलो भागो। अब किया क्या जाए, उन्हें मिला जरूर जाए। हाँ आखिर गुजरेंगे तो यहीं से, मोटर में। मोटर खड़ी कैसे करेंगे? ये क्या मुश्किल है, तुम नहीं जानते पंडित जी बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। एक बार नेहरू चाचा कहके पुकार दो, बस मारे खुशी के फूल जाते हैं। है? नहीं तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? झूठ भी तो बहुत बोलते हो, उस दिन तू क्यों बोलता बीच में? वाजीबा एक बार छोड़, 100 बार बोलूंगा, 100 बार मैं 100 बार तेरी खोपड़ी। पंडित जी आए पर हम लड़ते ही रह गए। चलो घर, अब रही क्या गया है। सुनो यार, अरे कहाँ मिला पंडित जी से? नहीं मिले, मर गया। चलो घर में दीदी से आके की पिटाई कराऊंगा। चल गए। जब देखो रुपए 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 रुपए, हर महीने 1 रुपया तेरी नाक पर धरती हूँ और 5 रुपए डिपॉजिट के अलग ये रखे हैं तूने। फिर हम काहे निकले? फिर हम काहे निकले? अरे तो है निकसे के पड़ी, हमें 5 रुपए महीने का नकद घास मिला था। अरे तेरी अकल घास चरने तो नहीं गई, भैंसों के साथ रहकर कौन उल्लू 5 रुपए किराया देगा? तो हटा बोला, देखा भैंस के आगे बीन बजा रही है। अरे घास के उल्लू, अच्छा ये बात है। अरे हम तो तुम्हें सबके निकासे के सोचे थे, मगर तू लगे कि ये नवा यतीम कहाँ से पकड़ लाए। और तू इधर उधर की भैंसे नहीं आंक लाता? अरे हम तो तुम्हे सबके हाथ के ले जाओ जमना हो पानी डंडे के जोर से। अरे क्यों अक्कल के पीछे लट लिए फिर ये है? बोल भैया, अक्कल बड़ी के भैंस, अक्कल बड़ी के भैंस के बच्चों। अगर बुधवार दिन तक हमार खोलिया नहीं खोली कर दी तो तू लोगन की खोपड़िया साफ कर दे इस डंडे से। हम तेरी साफ कर देंगे। अच्छा तो ये ऐसी की तैसी, हम सबको बता देंगे भैया दूध में पानी मिलाता है इसलिए ये तबेला जमना गया है ले रखा है। अच्छा
तो ये बात है, हम सोचत रही कि तू लोगन के बुधवार के निकासी, मगर नहीं, अब और इसी वक्त तू लोगन के निकले के पड़ी। देखते हैं, तू हमें निकालता है हम तुझे। ठहर तो। दरियागंज के बहनों और भाइयों, चाचियों और ताइयों, होशियार, खबरदार, ये बड़ी बड़ी मूछों वाला भैया है ना, एक सिर दूध में दो सिर पानी मिलाता है, दो सिर। हाय भैया, झूठ है ये सब, झूठ है बुद्धन की माई, सब झूठ है। ठीक कहता है भैया, दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं, पर ये पानी में दूध मिलाता है पानी में। नहीं लेंगे ये दूध, क्या लूट मचा रखी है। झूठ है भक्ताई, सब झूठ। हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि हमने कभी खालिस दूध बेचा ही नहीं, हमने कभी खालिस पानी बेचा। अकल बड़ी के ब्याह दो भैया, अकल बड़ी के ब्याह दो भैया। अगर हमने एक एक से नहीं समझा तो हमारा नाम भैया नहीं, अरे हमें गधा कह दियो। भाग गया डर के। चलो तर सालू दीदी की, सालू दीदी की, सालू दीदी की। बोलिए ना, भूख लगी है, खाना दो। प्यास लगी है, पानी दो। देती हूँ सब देती हूँ, चुप तो करो। ये कौन है? मैं रतन, रतन वतन मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास इतना कुछ वो नहीं कि सबका पेट भरती रहूं। कमा दिया आठ आने और खाते बारह आने, दर्जन भर तो पहले थे, अब और एक उठा लाए। तू तो भारत माता है दीदी, किसको तरस कर? क्या तरस करूं? रतन के पप्पू को फांसी मिल गई दीदी। हाय माँ, मिली नहीं, अब तूने निकाल दिया ना दीदी तो जरूर मिल जाएगी। इसके पास गवाही है दीदी, जिससे पता चलता है इसका बापू निर्दोष है। ये पढ़ तो भोला। मैं घसीटा मरते मरते भगवान को हाजिर नाजिर जानकर गवाही देता हूँ कि भोला राम का खून हरी राम ने नहीं किया। हरी राम मेरा बापू। कत्ल की रात को हरी राम शमशान में रात भर पड़ा रहा। तो फिर ये कागज इसके बापू को बचा लेगा? हाँ दीदी, रतन ये कागज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देने आया है 200 मील से पैदल चलकर। आज भोला और लच्छू पंडित जी से मिलने भी गए थे। तू फिक्र न कर छोटे भैया, मैं किसी और को खाना दूं या ना दूं तुझे जरूर दूंगी, और उस वक्त तक देती रहूंगी जब तक तेरा फैसला न हो जाए। चलो दीदी जिंदाबाद, चलो दीदी जिंदाबाद। सर क्यों खा रहे हो? चलो रोटी। रतन भैया तुम उधर बैठो। अरे बैठो यार, अब तुम हमारे छोटे भैया हो, चलो बैठो। माँ बैठो ना, लाओ दीदी 10-12 रोटियां इधर दे दो। 10-12 नहीं, ये तेरे हिस्से का रतन को क्यों ना दो? अच्छा दीदी कोई बात नहीं। अच्छा तुम पंडित जी से मिलने गए थे, फिर क्या हुआ? होता क्या, सिपाही अंदर ही नहीं घुसने देता। क्यों घुसने नहीं देता? हाँ बड़े आदमी जा सकते हैं दीदी। बड़े आदमी? अरे हम भी तो बड़े आदमी बन सकते हैं। वो मैं चपरासी की वर्दी मैं लाऊंगा, नत्थू के ताऊ से और अजकल मैं तिलो कवाड़िया से और जूते मैं सत्तू मोची से। ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो रे, सुनो सुनो, ये सब तो हो गया पर मुझे कुछ जमा नहीं। मैं पहले ही कहता था। अरे जम गया, जम गया, बर्फ की तरह जम गया। क्या जम गया? अरे वो भैया की मुझे इतनी लंबी लंबी क्या फांसी देने रखी है। आज तू ना कल की बात करी, आखिर शागिर्द है ना मेरा। चल हट, मैं हमेशा कल की बात करता हूँ। सुनो सुनो, मगर ये सब कुछ होगा कैसे? भैया से तो अपना एक कुत्ते का बैर है। हाँ यार ये होगा कैसे? फिर जम गया। अरे ये क्या मुश्किल है। क्या जम गया दीदी? जरा तू परे को। अरे अरे मर्दों की बातों में तू क्यों आती दीदी? जाना बाबा। अरे भैया रोज सदाई पीता है ना, हाँ उसके वास्ते बदाम इलायची चिलाएंगे, उसकी खुशामत करेंगे, उसको मनाएंगे। अब फिर जानते हो क्या करेंगे? क्या? उसके सरदाई में भांग मिलाएंगे। हाँ। और जो भैया चित के मुझे क्लिक। बगन नथिया हो भाई, दानी के सूरतिया झारी खंड में। भैया जी नमस्ते। चने खाओ सस्ते। भैया जी नमस्ते। तेरे लोगन कैसी की पैसी? आज रामनवमी है भैया जी,
आज के दिन खपा होना अच्छा लगता है? बाप के बराबर होकर बच्चों से लड़ते हैं। तू लोगन जा, नहीं तो मार मार देंगे तू लोगन का सर तोड़ दूंगा। लो लो तोड़ दो, हम तुम्हारे लिए पता मिलाई चिल्लाए और तुम हमारा सर तोड़ दो। तो उस दिन तू लोगन के का हो गवा था? क्यों रे बच्चे है ना भैया जी, अकल मारी गई थी। लड़कन से कौन लड़ता है, मगर हाँ जब तू लोग करत हो तब हमार माथा फिर जात हो। अरे तू लोग तो हमार बिटवा हो ना। बैठ बैठ भैया जी, आज बरस बरस का दिन है ना, आज हम तुम्हें रामलीला करके दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं राम बनूंगा, कुंदन लक्ष्मण और दीदी सीता। और रावण कौन बनेगा? मिट्टू। मिट्टू। अच्छा अच्छा, तोरे लोगन की रामलीला के खातिर हमें तीन चार आदमी के और कहे के पड़ी। भैया जी सरदाई घोटो। अरे तू लोगन तो हमार शरण बिटवा हो। भांग ऐसी छानिए जैसे जमुना जी की। वाह भैया जी वाह। और घर के जानो मुर्ग हम नशे के बीच सवेरे फिर चलेगी। तू जग में जवान बाका भैया, तू ही बात जग में जवान बाका भैया, तू ही बात जग में जवान बाका भैया। हमारे मनोरथ पूरे करना रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तुम चाहो तो पल भर में बन जाए अपने बिगड़े का, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुबर के गुण गावे रे हम, रघुबर के गुण गावे रे, ओ रघुबर के गुण गावे रे हम, रघुबर के गुण गावे रे हम, रघुबर के गुण गावे रे।
जागत है रखे हैं वो
हमें क्या मालूम? और किसको मालूम है? ये इलाका पहले पहाड़ी था ना श्रीमान जी, कुछ पत्थर पड़े रह गए। पहाड़ी क्या सड़क में हो गई? हम लोग खुद भी यही सोच रहे थे। क्यों भाई? ये सब तुम्हारी बदमाशी है। उठाओ ये पत्थर। हमने रखे हो तो उठाए। तुम ही ने रखे हैं। उठाओ नहीं तो मैं क्या करोगे? मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जा जा, किराए का छकला उठा के लाया कहीं चोर, हम पे रोक जमाता है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। पहले कसम खाओ, मारोगे नहीं? मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ। जानते भी हो यूं चलती सड़क रोक देना जुर्म? नहीं तो सुनो, अगर तुम ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो कम से कम 6 महीने की जेल हो जाएगी। हमें सजा नहीं हो सकती। हाँ, हमने तो पत्थर पंडित नेहरू की मोटर के लिए रखे हैं। पंडित नेहरू की मोटर? हाँ, नेहरू चाचा की। नेहरू चाचा से क्या काम? उनके पास रतन की फरियाद करना है। मेरे बापू को फांसी लग रही है और वो देखना है। तो फिर देखो, सुनो मेरी बात, ये मामला अदालत का है, पंडित जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कर भी सके तो ये तरीका नहीं। कायदे की बात ये है, तुम उन्हें चिट्ठी लिखो और वक्त मांगो। मुझे यकीन है उन्हें वक्त हुआ तो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे और रतन की मदद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम चिट्ठी लिखेंगे। चलो हटा दो ये पत्थर। चलो शुरू कैसे हो? अरे लिखो ना पंडित जी, आपने अपने बंगले के बाहर क्या क्या उदबलाएं खड़ी कर रखी है, ये लिखने से फायदा? हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। ऐसे आदमियों की शिकायत करेंगे, क्या पता उनके रोकने से कितनों को फांसी मिल गई हो। मत करो ऐसी बातें। हाँ दीदी, जब फांसी मिल गई तो फिर लिखने से क्या फायदा? तुम्हारी तो अकल मारी गई। इधर उधर की बातें लिखने की जगह काम की बातें लिखो। तो फिर लिख दो। पंडित जी, रतन के बाप को बचाओगे या नहीं? लिखो, उसे बचाओ नहीं तो रतन भूखा मर जाएगा। अरे लिखो, रतन के पास गवाही है। और लिख दो उसके पोटली में, जब जी चाय देख लो। लिख दो, रतन के बाप ने कत्ल नहीं किया। लिख दो, घसीटा दादा कहते हैं। उससे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो फिर खाक कमेटी पहले चने दे के पड़ा है वो इस स्कूल पे। देखो जी, मेरे स्कूल को कुछ कहा तो कुछ तो शर्म करो। मैं नहीं लिखूंगा, लिखना जिसका दिल चाहे। मेरे लिए लिख दो। रतन कह रहा है आप तो शर्म करो। शर्म करो। मैं लिखता हूँ और तुम कोई बीच में मत बोलो। कोई नहीं बोलेगा। पंडित जी जय हिंद। पंडित जी जय हिंद। रतन के बाप से झूठा इल्जाम लगा है। जब उसने कत्ल नहीं किया तो फिर सरकार उसे क्यों फांसी दे रही है? उसकी गवाही भी है, घसीटा दादा की। उसने गवाही दी तो मर गया और गवाही रतन की पोटली में है। आप टाइम देवे तो आवे, जल्दी करना, बार बार ताकीद है। खत को तार समझना, नहीं उसके बापू को फांसी हो जाएगी। भोला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर लाल, वो खत तुम्हें मिला? जी हाँ, खत तो ये रहा, लेकिन इस पर भेजने वाले ने अपना पता नहीं लिखा। पता लिखा होता तो सीआईडी ऑफिस में क्यों भेजते? नोट करो, इस पर फैज बाजार पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई। जिसका मतलब ये है कि लिखने वाला दरियागंज के आसपास कहीं रहता होगा। लेकिन दरियागंज में तो हजारों लोग रहते हैं। सुनो लाल, जैसा कि पता चलता है ये खत किसी बच्चे ने लिखा है, जो समझता है उसका बाप बेगुनाह है। दूसरा ये, आपने तौर पर पंडित जी से मिलने की कोशिश कर रहा होगा। मैं मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा सुप्रिंटेंडेंट साहब। मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि एक बेगुनाह आदमी को मौत के मुंह से बचा लूं। थैंक यू। कैसे हो हरिराम? तो ठीक है। फांसी से पहले तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? ख्वाहिश तो जीने वाला करे, मरने वाला क्या करे। फिर भी हरिराम। फिर भी क्या देर लगा, कितना अच्छा होता कि मेरा रत्न पढ़ लिख के बड़ा हो जाता, उसका शादी ब्याह हो जाता, एक बार मैं अपने पोते को गोदी में खिला लेता तो मेरी जान बड़ी शांति से निकल जाती। आगे आगे बाजा, पीछे पीछे मेरी अर्थी और ऊपर से गरी छुआर की छूट। और अब तो वो अपने जोगा भी नहीं। मैंने एक बार उसे मिला दी, एक बार मैंने मेरे लिए रोने वाले के लिए मिला दी। अच्छा हीरा,
जरूर मिला देंगे। कोई खत नहीं आया पंडित जी का। नहीं, ये भोला ही था जो कहता था बच्चों से बड़ा प्यार करते। चाचा को तो बहुत खुश होते। अरे नहीं, कोई बात हो गई हो। बात क्या दीदी, हम बच्चे हैं ना, इसलिए उन्होंने चिट्ठी फाड़ के फेंक दी होगी। अगर मसीता मिल जाता। मसीता? वो कौन बदमाश है? वो बदमाश नहीं। तो फिर कौन है, क्या काम करता है? जेबें करता है। तो यही काम करते थे, पर उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी। हो सकता है भैया, कभी कभी ऐसे आदमी बहुत काम आते। जब भी तू कहा था घसीटा दादा ने दिल्ली जाकर मसीता से मिल लेना, वो तुम्हें पंडित जी से मिलवा दे। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा तुम मिलवा दो। रहता कहाँ है मसीता? दरियागंज में। दरियागंज तो यही है। सचमुच जेबे काटता है? हाँ। उसकी शक्ल कैसी है, मोटा है या दुबला? मालूम नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मसीता का नाम तो सुना है यार। तो फिर जाओ ढूंढो उसे, नहीं पंडित जी का मिलना मुश्किल है। हाँ दीदी, चलो भाई। चलो। मैं लच्छू गोप रतन दरियागंज फतेहपुरी में ढूंढते हैं। मिट्टू कुंदन शंकर और अब्दुल जामा मस्जिद की तरफ। बाबूजी, आप बता सकते हैं इस तरफ कोई मसीता रहता है? ये क्या बता? ओ मारा, क्या अब मिल जाएगा मसीता? कैसे? ऐसे आओ मेरे साथ। मेरे पास 200 रुपए है, 200 सेठ ने दिए हैं डाकखाने में जमा कराने के लिए। अबे सेठ के पैसे पे कर रहा है, मेरे पास 40 रुपए अपने हैं, 3-5 खेल के जीता है इक्के वालों से। जरा होशियार रहना जेब से। जा, मसीता जैसा पॉकेट मार भी मेरी जेब के पास फटक नहीं सकता। अरे आहिस्ता बोल, कहीं मसीता ने सुन लिया सफाया हो जाएगा। अरे मसीता तो क्या, मसीता का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते मसीता दिल्ली का सबसे बड़ा पॉकेट मार। अब जा, 56 मसीता मेरी जेब में पड़े। अरे यार, अभी तक तो एक भी मसीता नहीं मिला। मेरा बापू जिस जेल में था उसकी दीवार इतनी ही ऊंची थी, ये दीवार बीच में ना होती तो मैं अंदर जाकर देखता। हरी राम जी, मुझे अफसोस है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा बेटा तुम्हारे शहर से लापता है। लापता? अपना घर छोड़कर कहाँ चला गया होगा? आपने कोशिश नहीं की होगी। कोशिश तो बहुत की हरिराम। किधर मेरे बेटे ने मुंह कर लिया? न जाने किस किस ने उसको धसकारा होगा। ये क्या दीदी, सिर्फ 2 रोटियां? हाँ। 8 की जगह 6 हुई, 6 की 4 और अब 4 की 2। हाँ, रतन का काम जल्दी न किया तो 2 भी न मिलेगा। मतलब भूखा मरोगी? क्या करो, धंधा जो बनकर रखा है तुम लोगों ने, जल्दी से रतन का काम बनाओ फिर कमाने जाओ, पेट भर के खाओ। ये बात है तो कल से हम काम जाएंगे और कहीं नहीं। मैं भी जाऊंगा। मैं भी। ये पेट और 2 रोटियां, भूखे पेट से रतन का काम नहीं होगा। बेहती के अंडे मरा क्यों जाता है, हमें भी तो तुम्हारे ही जितना खाना मिलता है। तुम्हारा क्या है, पेट तो देखो अपना, 1 रोटी पे चाहे साल भर रह लो। हाँ, और तुम चाहो तो साल भर की रोटियां एक ही दिन में खा जाओ, कमाई चाहे उतनी ही करो। कुछ भी हो दीदी, हमसे ये काम नहीं होता। पंडित जी से मिलना कोई खेल नहीं है। तो पहले क्यों रतन का हाथ पकड़ा था? हमने कब पकड़ा था? इसी ने कहा था पंडित जी से मिलना कोई बड़ी बात नहीं। देखो भैया, हम जब इकट्ठे रहने लगे थे तो एक दूसरे की मदद का वचन लिया था। हाँ, पर जब रतन हमने कहा था, जाने कहाँ से टपक पड़ा। मुसीबत बन गया हम पे। कुछ भी हो, अब तो उसे जबान दी है। जबान ये नहीं थी कि उसके बापू को बचाए, आप चाहे भूखे मर जाए। हाँ, मैं पूछता हूँ रतन हमारा कौन होता है? कौन होता है? चाचा का लड़का? चाचा का लड़का है? मामू का लड़का है? हाँ, और हम कुछ नहीं। तुम कुछ होते तो रोना ही किस बात का था। तुम कुछ भी कहो दीदी, हमसे ये काम नहीं होता। शर्म करो। तुम मरो। यही प्राण छोड़ दिए, कितनी दफे पंडित जी से मिलते मिलते रह गए, क्या पता एक हाथ बार और कोशिश करने से मिल ही जाए। हमसे अब और कोशिश नहीं होती। अच्छा, तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठो, मैं जाती हूँ, मैं रतन को पंडित जी से मिलवाऊंगी। चल रतन। रतन कहाँ है? मालिक तेरे जहां में
किसके द्वार जाऊं, दुख में किसे बुलाऊं, सब कर गए किनारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे जहां पर नहीं जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे नहीं? चलो उठाओ इसको। ऊंची नीची पाल की जय कन्हैया लाल की। ऊंची नीची पाल की जय कन्हैया लाल की। डॉक्टर साहब, मुझे भगवान के लिए जल्दी छुट्टी दे दीजिए। हाँ भाई, अभी तो टांके भी ठीक नहीं हुए हैं। जब तक ये टांके खुलेंगे मेरे दिल के बख्शी उधर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था कि वो ड्राइवर पुलिस के कब्जे से भाग गया है। अगर वो दिल्ली पहुंच गया डॉक्टर साहब, तो उस मासूम बच्चे को जान से मार डालेगा। मुझे जल्दी छुट्टी दे दीजिए डॉक्टर साहब। रत्नू मेरे बिना पंडित जी को नहीं मिल सकता डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, भागो यहाँ से, निकल जाओ। जाने दोनों साहब, पंडित जी ने हमें कभी नहीं देखा। इसका मतलब है हमने पंडित जी को कभी नहीं देखा। जाने दो साहब, कौन पढ़ता हूँ, पंडित जी से बड़ा जरूरी काम। मैं कहता हूँ छोड़ दो रास्ता, चलो निकलो। हवलदार साहब, क्या है?
जी, यहाँ कोई 8-10 साल का बच्चा पंडित जी से मिलने तो नहीं आया था? हाँ आया था, कुछ लौंडों के साथ। नाक में दम कर रखा है उसने हमारा। तो क्या वो पंडित जी से मिली है? अजी राम राम कीजिए। राम राम। अरे तुम लोग फिर आ गए, कहाँ जा रहे हो? सीधे अंदर ही जा रहे श्रीमान जी, अभी आ जाएंगे। मैं कहता हूँ निकल जाओ। शैतान कहीं से। चलो चलो निकलो, चलो। रत्नु, रत्नु मेरा बेटा, तू कहाँ था? मैं तुझे इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाचा पंडित जी से मिलना है। और ये लोग कौन है? ये सब मेरे दोस्त हैं चाचा, मुझे हरदम अपने साथ रखते हैं और पंडित जी से मिलने की तरकीबें सोचते हैं। अच्छा, हमारे मास्टर बन जा चाचा और अंदर ले चलो। फटाफट पंडित जी से मिल ले। बेकार की बातें मत करो, अगर इस वक्त हम लोग अंदर चले भी गए तो पंडित जी मिलेंगे थोड़ा ही, और फिर इतने गंदे कपड़ों में मिलेगा पंडित जी को? छी 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 छी, नहीं चल, पहले मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिला दूं और फिर कल उनके कचहरी पे चल के तुझे मिला देंगे। चलेंगे इसके साथ, मैं भी चलूंगा। मैं भी। तुम लोग अजीब बेवकूफ आदमी हो। अरे भाई, इसे कपड़े दिलाकर तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा, और जब तक तुम लोग इसकी मिठाई खाओ। हमको मिठाई कुछ नहीं चाहिए। मिठाई नहीं चाहिए? अरे तो खफा क्यों होते हो? ये लो 10 ले लो। नहीं, कह तो रहा नहीं। अरे भाई तो 20 ले लो, मेरा भतीजा मिला है। हाँ, तुम लोग सब खुशियां मनाओ, ये ले लो। लाओ। चल बेटा रत्नु, चलो ले बेटा, ये खा ले, ये थोड़ा सा खा ले। नहीं चाचा। अरे देखता नहीं कैसी शक्ल निकल आई है, मालूम होता हफ्ते भर से खाना नहीं खाया है। अरे ये अंग्रेजी मिठाई है, खा ले। अरे खा लेना। वाह चाचा, पंडित जी तो अभी तक नहीं मिले, अगर तुम भी न मिलते तो बापू का क्या होता? अरे मेरे होते हुए तू क्यों घबराता है? होगा वही जो होना चाहिए। वो गवाही के कागज तेरे पास है ना, वो मुझे दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ला। कौन सा कागज चाचा? वही जो घसीटा दादा ने दिया था। हाँ हाँ वही। वो तो भोला के पास है चाचा। भोला के पास? अरे तो क्या हुआ, फिर कभी ले लेंगे। आज चल तुझे दिल्ली की सैर कराऊं, लाल किला, जमुना का पुल, कुतुब मीनार सब दिखाऊंगा। चल तू भी क्या याद करेगा चाचा को। चल कुतुब मीनार भाव, एक सारे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है। आप भी आगे आगे देखता जा बेटी, रास्ते में भूल भुलैया आएगा, वो भी तुझे दिखाऊं। हाँ बेटा हाँ, अभी देखता जा, तू कहाँ जाने वाला है? कहाँ चाचा? रत्नु, रत्नु देख बेटा देख, वो कुतुब मीनार। रिक्शा पंचर हो गया भाई। देखा बेटा कितना ऊंचा है चाचा, इसके ऊपर जाएंगे? हाँ बेटा एकदम। चल यार मसीदे, दाल में कुछ काला जरूर है, सीधा दादा से इन लोगों का क्या ताल्लुक है? देख बेटा, यहां से दिल्ली कितनी छोटी नजर आती है। दादा नीचे देखने से तो चक्कर आते हैं। बेटा आंखें बंद कर ले, फिर कुछ नहीं होगा, बंद कर ले। हाँ बेटा हाँ, चलते हैं, पहले ये तो देख तो ले। तुझे एक बात मालूम है, इसके ऊपर से रेल गुजरती है। ऊपर से? हाँ, और नीचे दरिया। बेटा देख देख दरिया, देख ऊंचा होके देख।
वहां से अच्छा दिखेगा बेटा। बेटे यहां से देख, इधर चांदी जैसा पानी चमक रहा है। हाँ क्या कर रहा है बे? सिगरेट पी रहा हूँ। सिगरेट पी रहा हूँ? सिगरेट का बच्चा चार घंटे से मेरे पीछे क्यों पड़ा है? धुएं खाक। हम भी दिल्ली के पहलवान है। अरे पहलवान है? अरे गजब हो गया। क्या हुआ रतन के चाचा? रतन दरिया में डूब गया। डूब गया? हाँ क्या बताऊं, मेरा एक ही तो भतीजा था, अब भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब रतन के बाप का क्या होगा? फांसी हो जाएगी बेचारे को। वो तो छूट जाएगा, मगर जब रतन को नहीं पाएगा तो क्या हालत होगी उसकी? मगर वो छूटेगा कैसे? उस गवाही के कागज से जो रतन ने तुम्हें दिया है मुझे दे दो। बोले कि तो हम खुद जाने वाले थे पंडित जी के पास। कैसी बातें करते हो, पंडित जी से मिलना कोई आसान काम है? और फिर वो कागज जरा सा इधर से उधर हो गया तो मेरे भैया को फांसी लग जाएगी। लाओ मुझे दे दो वो कागज। अंदर पड़ा है रतन की पोटली में, आप ही जाके ले लो चाचा, अब मैं तो हिम्मत ही नहीं रही। अच्छा रतन, तेरा बापू जरूर छूट जाएगा, भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। क्यों मुझ पर जुल्म करो जल्ला साहब? मने के भी मर गए, मेरा रतन मने नहीं मिला है कि मुझसे एक पल भी नहीं जिया गया, तो तोरे पाँव पड़ता हूँ। पंडित जी मेरे बापू को चुरा लो, उसने बोला राम का खून नहीं क्या? उसकी गवाही का कागज मेरे पास है, तुम मिल जाओ तो मैं तुम्हें दिखा दूं। अगर
जागूं अकेला मुझे यूं तड़पता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता माता ओ माता जो तू आज होती मुझे यूं बिलखता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता माता ओ माता माता ओ माता पानी मिला के हम एक एक ईट खड़ी किए रहा एक कई रात में सब चलकर रात अगर वो बदमाश हमें मिल जाए वो था कौन भैया जी कुछ बताओगे भी वही शैतान जिसको तुम लोगों ने कल रात को मारा रहा कौन मुकंदा हम उसके आग लगाते देखा रहा हमको देख के वो ससुर भाग गया अगर हम पकड़ पाते तो अपने खून से आग बुझाते ये बात है ये सब रतन को मारने की तरकीब थी मैं बताऊं असली कातिल रतन का बापू नहीं वो मुकंदा का बच्चा है वो कैसे पहले रतन को जमुना में ढकेल दिया फिर गवाही का कागज लेने आया और अब आग लगा के सबको खत्म करना चाहता वाह बेटा वाह आज पहली बार फिर अक्कल की बात कही है तूने आखिर है ना शागिर्द मेरा अरे जा अरे तू लोगन सब उस्ताद हो हमार तबेला आग से बचाए के हमार अखियन खोल दियो अब यहाँ से निकालोगे तो नहीं अरे तुही लोगन की निकालब तू लोगन तो हमार बचुआ हो तू लोगन जवान बन जा अपनी अपनी बहू एठिन ले आवा फिर तुहार बच्चा होइए पोता होइए पर तुम्हें क्या मिलेगा भैया जी हम तो अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाएंगे तुम बोले अरे अरे ये क्या रोबोट है मतलब हुआ बचवा सब ठीक हो जाएगा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ना मसीता मिला ना पंडित जी अगर ये कागज पंडित जी तक पहुंच जाता तो मेरा बापू बच सकता था ये काम मुश्किल था पंडित जी से कल ही मिल लियो
कल रामलीला के मैदान में भारी सम्मेलन हुई है, पंडित जी भाषण करिए। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब तेरा बापू जरूर बच जाएगा। अब मत रो बचुआ, कल हम तुम्हारे साथ चलब और पंडित जी से हम तुम्हें मिला। मसीतू, ओ मसीतू, अरे चाचा तुम कहा, क्या हुआ चाचा, सब हाथ पर तोड़े बैठो। अरे क्या बताओ मसीतू, मसीतू तुझे याद होगा कि चांदनी रात में अपन ने एक आदमी की मसान में जेब काटी थी। हाँ, अरे उस बेचारे पे बेफजूल कत्ल का इल्जाम लगाया गया, उसका कोई नहीं, एक इतना बड़ा लड़का है, उसे साथ लेकर मैं पंडित जी के पास फरियाद करने जा रहा था कि अम्मा चाचा के उस लड़के का नाम रतन तो नहीं। हाँ, अरे वो तो यहाँ मारा मारा फिर रहा और एक आदमी सर पे पट्टी बांधे उसे मारने पे तुल लिया। अरे वो मुकंदा है, मैं तो जानू असली कातिल वही है। अरे रतन कहाँ है, चलो उसे बचाएं बेटा। चलो चाचा चलो। शाबाश बेटा शाबाश, तुम सब चलो मेरे साथ। चलो बाजू दुखला और मेंबराने ज्यूरी, आज से कुछ महीने पहले 3 मार्च 1952 को यह अदालत 1951 के मुकदमा नंबर 1540 की समाप्त और फैसला कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ नए वाकया सामने आ जाने की वजह से इस केस का हवाला हाईकोर्ट को दिया गया। हाईकोर्ट के हुक्म से यही अदालत दोबारा इस मुकदमे की समाअत करती है। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, क्या ये दुरुस्त है कि जख्मी होने के बाद और बावजूद मुकंदलाल आपकी हिरासत से निकल भागा? जी हकीकत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हो सकता है मुकंदलाल इस डर से भाग निकला हो कि उसे खामखा परेशान किया जाएगा, हालांकि कसूर देहाती का है जिसे सड़क पर चलने का डर नहीं आता। लठ लेकर अंदर नहीं जा सकते। लठ कहा तय था हवलदार, लठ के बगैर तो हम भगवान क्या भी नहीं जाओ। बाहर चले जाओ। महानंदा शिवानंदा नाम सरकार हम आ गवा सरकार, जय राम जी की। महानंदा क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, हम जौनपुर के ठाकुर हैं सरकार। हमारे यहाँ बहुत भारी तबेला हो, बहुत सी भैसन हो, ये सब लड़कन सरकार हमारे तबेला में रहे थे। क्या ये दुरुस्त है 17 सितंबर की रात को तुम्हारे बाले में आग लगी थी? आग?
ऐसी ना आग लगी सरकार कि लंका में भी नहीं लगी। ये बकवास में आग लगाई रही सरकार। जो पूछते हैं उसका जवाब दो। जो कुछ नहीं पूछे हुजूर माई बाप वो का हम का करी। आग लगने के बाद तुमने मुलजिम मुकुंदा को भागते देखा? हाँ सरकार, अगर हम ओके पकड़ पाते तो उकरा खून से आग बुझाते। योर ऑनर, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। तुम जा सकते हो मानंदा। हम अदालत से दरखास्त करत थी हुजूर, अगर ये बदमाश के फांसी देत हो तो ठीक हो सरकार, नहीं तो एक दो मिनट के लिए हमार तंगे बार भेज दा। तो आप उस वक्त शमशान में क्या कर रहे थे? मैं वहां रहता था। शमशान में रहने का मतलब? मतलब ये वकील साहब के मरने के बाद हर एक आदमी वहीं पहुंचता है, हम पहले ही जा बैठे। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका धंधा क्या है? है नहीं वकील साहब, था। ये कट लिख लिया जाए योर ऑनर, फाजिल वकील सफाई के दो खास गवाह हैं और दोनों चोर उठाई गिरे जिनका समाज की निगाह में कोई मर्तबा नहीं। मैं अदालत और फाजिल मेम्बराने जूरी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे गवाहों के बयान पर यकीन करेंगे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या हर इंसान की जिंदगी में कोई खास वाकियात के आ जाने से ये मुमकिन नहीं कि वो समाज का एक अच्छा फर्द बन जाए? घसीटा की काया पलट देने वाला ये मासूम लड़का था, न सिर्फ इसने एक आदि चोर और मुजरिम को अच्छा शहरी बना दिया बल्कि अपनी मिसाल से इन भटके बच्चों में भी जागृति पैदा कर दी। ये शर्मनाक कहानी का असली हीरो है योर ऑनर। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अपना फैसला सादिर करते हुए घसीटा और मसीता की नाम नेहा चोरी का ख्याल दिल में न लाइए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत जूरी की राय से इत्तफाक करते हुए हरी राम को बरी और मुकंद लाल पर कत्ल के जुर्म में मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे